आप अगर फ्लाविया फ्रेश से जुड़े हैं और एक महीने के अंदर डायरेक्टर रैंक अचीव करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं अपने किसी जूनियर को एक महीने के अंदर डायरेक्टर रैंक अचीव कराना, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको प्रोसेस बताऊंगा जिसके जरिए से आप एक महीने के अंदर अपने किसी भी जूनियर को डायरेक्टर रैंक अचीव करा सकते हैं या आप खुद भी डायरेक्टर रैंक अचीव कर सकते हैं। डायरेक्टर रैंक अचीव करने के लिए आपको 1,00,000 BV का बिजनेस करना होता है सेल्फ और टीम लेके। 1,00,000 BV का बिजनेस जैसे आप कर लेते हैं तो आपका डायरेक्टर रैंक अचीव हो जाता है। एक महीने में डायरेक्टर रैंक अचीव करने के लिए आपको एक महीने को 3 हिस्से में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा होगा 7 दिन का, दूसरा हिस्सा होगा 7 दिन का और तीसरा हिस्सा होगा 15 दिन का। तो पहला जो 7 दिन का हिस्सा है 7 डेज, इस 7 डेज में आपको क्या करना है, आपको प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज लेना है, अच्छी तरह से नॉलेज लेना है। और इसके साथ आपको 6 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराना है, यानी 7 दिन के अंदर आपको नॉलेज लेना है प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, और उसके साथ ही 6 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराना है। उसके बाद पहला 7 दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे जो 7 दिन होगा, उस 7 दिन में आपको जो आपके नीचे डायरेक्ट 6 लोग जुड़े हैं उनके नीचे 2-2 मेंबर बनाना है। उनके जरिए से दूसरे 7 दिन में आपको जो आपका 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग है उनके नीचे 2-2 डायरेक्ट मेंबर बनाना है उनके जरिए से। और प्रत्येक ज्वाइनिंग का मिनिमम परचेज, पहला परचेज 1,000 BV का कराना है आपको। तो इस तरह से 2 सप्ताह के अंदर आपके नीचे टोटल टीम हो जाएगा 18, यानी पहले सप्ताह आपने 6 लोगों को जोड़ा और दूसरे सप्ताह उनके नीचे 2-2 लोगों को जोड़ा। टोटल 2 सप्ताह के अंदर आपका टीम हो जाएगा 18 और प्रत्येक ज्वाइनिंग का पहला परचेज 1,000 BV होगा, तो आपका टोटल बिजनेस हो जाता है 18,000 BV। अब आपको जो बचे हुए 15 दिन है, यानी महीने का तीसरा हिस्सा, इस 15 दिन में आपको क्या करना है, जो आपके नीचे 18 लोग जुड़े हैं, 18 टीम मेंबर हैं, उन सब का एक एक होम मीटिंग सेट कराना है, एक एक होम मीटिंग सेट कराना है। और प्रत्येक होम मीटिंग में मिनिमम 15 से 20 लोग हो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि प्रत्येक मेंबर अपने होम मीटिंग में 15 से 20 लोगों को जमा करें और उस होम मीटिंग को आपको करना है। और होम मीटिंग में आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताना है। और अगर यहाँ से प्रोडक्ट वो परचेज करके यूज करते हैं तो शारीरिक क्या बेनिफिट होगा और आर्थिक क्या लाभ होगा, यानी यूजर के हिसाब से अगर वो यहाँ से यूज कर रहे हैं तो उनको क्या बेनिफिट होगा, इस पे ही बात करना है। और प्रत्येक होम मीटिंग में आपको टारगेट रखना है कि मिनिमम 5,000 BV का प्रोडक्ट सेल हो जाए। अगर इस तरह से आप होम मीटिंग करेंगे और प्रत्येक होम मीटिंग में अगर 5,000 BV का प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो आपका टोटल 18 होम मीटिंग में 90,000 BV का प्रोडक्ट सेल होगा, 90,000 BV का प्रोडक्ट सेल होगा। प्लस आपके साथ जो आपके जुड़े हुए लोग हैं 18 टीम मेंबर है उनका 18,000 BV, तो 90,000 और 18,000 टोटल हो जाता है 1,08,000 BV, 1,08,000 BV। और आपका टारगेट है डायरेक्टर बनने के लिए 1 मंथ के अंदर 1,00,000 BV करना, तो यहाँ आपका 1,08,000 BV हो जाता है, तो आपका आसानी के साथ डायरेक्टर रैंक अचीव हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले से अगर आपने काम किया तो 1 महीने के अंदर आप डायरेक्टर रैंक अचीव कर सकते हैं या आपने किसी भी जूनियर को डायरेक्टर रैंक अचीव करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको डायरेक्टर रैंक अचीव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएँ।